करते हैं, इस मौसम में डेंगू का प्रकोप बढ़ता है। पिछले साल की बात है, हमने ही दस्तक दी थी कैसे प्रयागराज में डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जगह पैसा लेकर मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया था। प्लेटलेट्स बाहर से खरीदेंगे तो 4,000 से 20,000 रुपए तक खर्च होते हैं, आम इंसान लाचार होता है। महंगा प्लेटलेट्स कैसे खरीदे? यूपी के सरकारी अस्पतालों में प्लेटलेट्स निकाल कर देने की सुविधा है या नहीं, हमने एक बड़ी पड़ताल की है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए और सोचिए, जब मच्छर से फैलने वाली बीमारी के आगे कैसे सरकारी अस्पताल लाचार है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाइए, आपको अस्पतालों में डेंगू के मरीज मिलेंगे। डेंगू यानी वो बीमारी जिसमें एक वक्त ऐसा भी आता है जब मरीजों की जान बचाने के लिए खून से निकाल कर तैयार हुए प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आम मरीजों को प्लेटलेट्स देने की सरल और कम कीमत वाली सुविधा है? आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की ये पड़ताल इसीलिए देखनी जरूरी है, जिससे आपको हकीकत पता चलेगी कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा जनता को डेंगू से बचाने वाले प्लेटलेट्स दिलाने के लिए कितना संजीदा, कितना संवेदनशील है। सबसे पहले समझिए प्लेटलेट्स कैसे निकाला जाता है। इसका एक तरीका होता है SDP, यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, जिसमें एक ही मशीन के जरिए डोनर के शरीर से ब्लड निकालकर उसमें से प्लेटलेट्स अलग करते हुए फिर वही ब्लड वापस डोनर को चढ़ा दिया जाता है। दूसरा तरीका है RDP, यानी रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, जिसमें ब्लड सेपरेशन यूनिट की जरूरत होती है। इसके जरिए ब्लड लेकर उसमें से प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और दूसरे कंपोनेंट निकाले जाते हैं। यही वो ब्लड सेपरेशन यूनिट है जो सरकारी अस्पतालों में रहे तो हर साल इसी मौसम में पांव पसारने वाले डेंगू से परेशान मरीजों को न सिर्फ प्लेटलेट्स के लिए भटकाने से बचाया जा सकता है बल्कि महंगे इलाज से भी बचाया जा सकता है। लेकिन क्या ये यूनिट उत्तर प्रदेश के जिलों के मुख्य सरकारी अस्पतालों में है? लखनऊ की प्रीति मिश्रा से मिलिए। 10 दिन से बुखार से पीड़ित मिली, सरकारी अस्पताल जाकर लौट आई, प्राइवेट के भरोसे इलाज कराएंगी। सरकारी अस्पताल में किसी ने जानकारी नहीं दी कि प्लेटलेट्स उस अस्पताल में मिल सकता है या नहीं। दुविधा में है कि ये कैसे प्लेटलेट्स, अगर ये बताइए प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ेगी आपको तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, वहीं से देखेंगे जाके क्या होगा। क्यों, सरकारी में प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ तो उन्होंने बताया नहीं। अच्छा। वहाँ तो नहीं मिलेगी शायद। प्राइवेट में तो पैसा भी लगेगा। जी वो तो लगेगा ही। यही जवाब हमें मरीज शिखा के पिता ने बताया, जिन्हें सरकारी अस्पताल में प्लेटलेट्स की सुविधा नहीं मिली। ब्लड बैंक से खरीदा। अच्छा। क्यों जरूरत पड़ी आप? उसकी जान जा रही थी बच्ची की, फिर मजबूरी थी, खरीदना था। डॉक्टर ने कहा, प्राइवेट डॉक्टर ने, कि तुरंत लाइए, नहीं बचेगी नहीं ये। हम दौड़े फिर खून लाया जाकर के 10-90 से 6 यूनिट। साफ तौर से जब प्लेटलेट्स की जरूरत होती है तब उनके सामने चारा उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं, क्योंकि सरकारी में सुविधा नहीं है। महज किसी हॉस्पिटल में इस तरीके की सुविधा ना होने की वजह से सोचिए कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 40 से 45 ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसे ही सेम हालात हैं, और वहां पर ना ही कोई SDP यानी कि जो प्लेटलेट्स प्रोवाइड कराई जाती है उसकी कोई सुविधा है, और ना ही किसी प्रकार की मेडिकल की। तो ऐसे में ये सभी मरीज अब प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा ले रहे हैं। इसीलिए हमने एक सैंपल के तौर पर रायबरेली, हमीरपुर और चंदौली में पड़ताल की, पता करना चाहा क्या उत्तर प्रदेश के जिलों के मुख्य जिला चिकित्सालय में डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स की सुविधा देने वाली मशीन लगी है। अगर लगी है तो क्या काम भी कर रही है? रायबरेली चुनावों में VVIP संसदीय क्षेत्र बन जाता है, लेकिन यहाँ के जिला अस्पताल का सच सुनिए। ब्लड सेपरेटर यूनिट जिससे प्लेटलेट्स निकाल कर मरीजों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है, वो यूनिट यहाँ ढकी हुई रखी है। कुछ और उपकरण भी है लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ये यूनिट यहाँ पूरी तरह लग जाती तो मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए बाहर प्राइवेट ब्लड बैंक में मोटा पैसा देकर दौड़ना नहीं पड़ता। एक ब्लड सेपरेटर यूनिट लगनी है, उसके ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट अभी बाकी हैं, जैसे -40 डिग्री डीप फ्रीजर, -80 डिग्री डीप फ्रीजर, ये नहीं आए हैं, जिससे यूनिट अभी स्थापित नहीं हो पाई है। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इनका आना अभी बाकी है, और ये उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ये सप्लाई किया जाना है।
और शायद वहां खरीद भी लिया गया है लेकिन यहां तक अभी नहीं पहुंच पाया। हमीरपुर जो कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, यहां के सरकारी अस्पताल में दावा है कि रोज 1000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहां डेंगू वार्ड देखिए, बेड भरे हुए हैं, मच्छरदानी लगाए मरीज लेटे हैं। ऐसे ही डेंगू के मरीजों को एक समय प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन क्या हमीरपुर के सरकारी अस्पताल में प्लेटलेट्स तैयार करके देने वाली मशीन है? ब्लड सेपरेशन यूनिट पूरी तरह से तैयार हो गई है, इंस्ट्रूमेंट पूरे आ गए हैं, केवल मैन पावर की पोस्टिंग नहीं हो पा रही, इसलिए आप ब्लड सेपरेशन यूनिट हम चला नहीं पा रहे हैं। जैसे हमें मैन पावर मिल जाएगा उसको हम स्टार्ट कर देंगे। डेंगू मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों को बाहर जाना, पड़ता है, हम आइलैंड भेजते हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज से ब्लड करवाते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फायदा मिलेगा। कानपुर लखनऊ अन्य जनपदों जाना पड़ता है, बहुत परेशान होते हैं। अगर चालू हो जाएगा, मशीनें लगभग लग चुकी हैं, अगर चालू हो जाएगा तो एक खून एक यूनिट होता है, उससे मतलब चार लोगों की मरीजों की जान बचेगी, पैसा बचेगा, भटकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के चंदौली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड है, मरीज भी हैं, लेकिन ब्लड सेपरेशन यूनिट जिस कमरे में बंद है वहां बाहर ताला लगा है क्योंकि सारे उपकरण नहीं आए। 80% मशीनें हमारी आ चुकी हैं, केवल जो डीप रेफ्रिजरेटर है जो -80-60 तक करता है वो नहीं आया हुआ है। बाकी जो थॉइंग मशीन है, थॉइंग इन द सेंस जो वॉश करता है प्लेटलेट को, दूसरा एक प्लेटलेट एजिटेटर है, एजिटेटर इन द सेंस जो सेंट्रीफ्यूज में मशीन चलती है सेंट्रीफ्यूज के साथ, तो प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, होल ब्लड, तीनों को अलग कर देता है। तो वो चीज़ हमारे पास मशीन आ गई है, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर है जहां हम उसको रखते हैं वो चीज़ अभी हमें नहीं मिली हुई है। यानी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मशीन पहुंची तो चलाने वाले स्टाफ की कमी है, जहां स्टाफ है वहां उपकरण पूरे नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश के 47 जिलों के सरकारी जिला अस्पताल में यूनिट का इंतजार ही हो रहा है, इसीलिए लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की डीजी से पूछा कि हर जिले तक क्यों डेंगू के मरीजों को सुविधा देने वाली मशीन नहीं पहुंच पाई। एसटीपी की जरूरत होती है तो वो एक ही डोनर के द्वारा जो प्लेटलेट दी जाती है उसको कहते हैं, वो मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध है। और दूसरा है ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट, वो हमारे 29 चिकित्सालयों में लग गया है और लाइसेंस की फाइनल स्टेज में है, कुछ जगह हो गया है, कुछ जगह होने वाला है। सवाल है कि जब इसी मौसम में डेंगू के मरीज हर जिले में बढ़ते हैं तो फिर उनको सस्ती दर पर सरलता से प्लेटलेट्स दिलाने वाली यूनिट लगाने के लिए पहले से गंभीरता क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग ने बरती। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।